नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेंट एक्सपी को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, सब में इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि पेंट एक्सपी को कैसे ओपन करें, पेंट एक्सपी के बारे में और टूल बॉक्स का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में आज बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मैं हूं नयन कुमार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद यहां से ऑल प्रोग्राम और एसेसरीज में जा करके आपको यहाँ पर पेंट एक्सपी को ओपन कर लेना है। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डेस्कटॉप में पेंट एक्सपी यहाँ पर है, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। ये ओपन हो जाने के बाद ऊपर में जो दिया हुआ अनटाइटल पेंट, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। ये फाइल एडिट व्यू लिखा हुआ है, इसको मेनू बार कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको टूल बॉक्स कहते हैं और यहाँ से इसको कलर बॉक्स कहते हैं। नीचे इसको स्टेटस बार कहते हैं और यहाँ व्हाइट कलर का जितना भी यहाँ है इसको क्या कहते हैं, वर्क स्पेस एरिया कहते हैं। चलिए आज टूल बॉक्स के बारे में बताने वाले हैं, टूल बॉक्स का उपयोग हम कैसे कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल पहले से मेरा पेंसिल सेलेक्ट है, यहाँ पर पेंसिल से हम कुछ भी यहाँ पर क्लिक करके लिख लेते हैं। और सेलेक्ट टूल से हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह उसको मूव कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसको तो पूरा सेलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। और फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल से क्या होगा, सेलेक्ट टूल से क्या होता था कि जब भी हम कोई सेलेक्ट करते हैं तो वो स्टेट सेलेक्ट होता था, है? जब भी सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, स्टेट सेलेक्ट होता है। लेकिन हम फ्री फ्रॉम सेलेक्ट से क्या होगा, ये फ्री फ्रॉम सेलेक्ट है ना, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट से क्या कर सकते हैं कि हम जैसे चाहे उस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इरेजर टूल जब पेंसिल से हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको इरेज करने के लिए हम इरेजर टूल का यूज करेंगे। इसे क्लिक करके रखेंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये क्या होगा, इरेजर। यदि ये इरेजर बहुत छोटा है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल और प्लस बटन प्रेस करेंगे तो इरेजर टूल ऑटोमेटिक वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना बड़ा हमको इरेजर चाहिए उतना बड़ा हम ले लेंगे, उसके बाद फिर से क्लिक करके रखेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये क्लियर होता है। फिल विथ कलर का यूज कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम पेंसिल लेते हैं, पेंसिल से कोई एक राउंडेड सर्कल बना लेते हैं। ये एरिया क्या होना चाहिए कि क्लोज एरिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एरिया क्या होना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए। यदि खुला हुआ रहेगा ये फिल विथ कलर काम नहीं करेगा। देखिए हम यहाँ से इरेजर से थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, छोटा करके, थोड़ा सा इसको एरिया को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, फिल विथ कलर लेंगे, यहाँ से कलर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फिल करेंगे तो वो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा, जो भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। यदि हम एरिया यदि मेरा क्लोज नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम जो भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो वो पूरा पेज में फैल जाएगा, समझ गया दोस्तों। चलिए आगे बताते हैं, ये पिक कलर का यूज कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम उसी तरह एक एरिया बना लेंगे, सर्कल बना लेते हैं, और यहां पर भी बना लेते हैं। अब इसमें जो जो कलर हम फिल करेंगे सेम कलर को यहां पर भी फिल करना चाहते हैं तो हम कैसे फिल करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पिक कलर,
अब देखिए पिक कलर का कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मेरा जो कर्सर है वो सिलेक्ट हुआ रहना चाहिए, ये फिल विथ कलर। उसके बाद पिक कलर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे पिक कलर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये कलर हमको यहाँ पर फिल करना है, इस कलर को यहाँ पर फिल करना है और इस कलर को यहाँ पर फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे? उसके लिए सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर देखिए मेरा कौन सा कलर सिलेक्ट है, अभी ये वाला कलर सिलेक्ट है। जैसे हम यहाँ पर पिक कलर करेंगे ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे क्लिक किए ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम फिल कर देंगे, ऑटोमेटिक ये कलर यहाँ पर फिल हो गया। यदि इस कलर को हमको यहाँ पर फिल करना है तो उसके लिए फिर से यहाँ पर पिक कलर लेंगे और यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ये क्या ये कलर यहाँ फिल हो जाएगा। इस कलर को यहाँ पर फिल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक कलर लेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। समझ गए? अब मैग्नीफायर, मैग्नीफायर क्या है? मैग्नीफायर जैसे क्लिक करके इसको हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। यदि जैसे कि किस लिए बड़ा करेंगे, जैसे हम इसको इरेज कर देते हैं इरेजर टूल से, या ऐसा भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके इसको क्या कर सकते हैं एक बार में इरेज कर सकते हैं। उसके लिए सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे तो एक बार में इरेज हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीफायर, जैसे कि पेंसिल से हम कोई बना लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग है, गैप हमको दिख नहीं रहा, तो हम कैसे करेंगे उसके लिए क्या करना है, ऐसे मैग्नीफायर टूल का यूज करना है। इसको यहाँ पर ला करके ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये जूम हो जाएगा। और ज़्यादा जूम करना है तो यहाँ से आप क्या करते हैं 2x 6x 8x कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम 2x किए हैं, है ना, 8x कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। और इसको आप यहाँ से गैपिंग को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं, छोटा करने के लिए, फिर से छोटा करने के लिए 1x पर क्लिक करेंगे, जिस जगह था उसी जगह पर उसी नॉर्मल साइज में आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये मैग्नीफायर टूल का यूज होता है। पेंसिल टूल तो आप जानते ही है ना। उसका ब्रश टूल, ब्रश टूल से क्या होगा कि हम जैसे चाहे उस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप पेंसिल टूल के जैसा पतला लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा मोटा लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा रेक्टेंगल आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से इसको ड्रॉ करना चाहते हैं उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको भी इरेज कर देते हैं, लिफ्ट प्रेस करके। चलिए उसके बाद ये एयर ब्रश, एयर ब्रश का यूज कैसे होता है, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं इस टाइप का तो लिख सकते हैं। इसको एयर ब्रश को बड़ा करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, आप एयर ब्रश के द्वारा लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब उसके उसके बाद हमको यहाँ पर कोई नाम लिखना है या कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे। यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करके ऐसे खींचेंगे, ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इसको बाहर में ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसका कलर जैसे चेंज करना चाहते हैं, जो भी कलर लिखना चाहते हैं टेक्स्ट को, उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे रेड में लिखना चाहते हैं, रेड में क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे तो ये रेड में लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसका फॉन्ट आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप इसका फॉन्ट कुछ भी रख सकते हैं, जैसे छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, या बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, या इसका फॉन्ट अलग कुछ फॉन्ट में लिखना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड को हटा सकते हैं, इटैलिक को हटा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से सारा चीज़ कर सकते हैं आप। इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट में इसको लिख सकते हैं, इसका साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्या लगता है कि हम पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, सीधा लाइन खींच सकते हैं? यदि हम खींचना चाहेंगे सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना चाहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। यदि आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, लाइन टूल का यूज़ करना होगा। जैसे लाइन टूल प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं। उसके बाद कर्व लाइन, कर्व लाइन क्या है, इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हो जाने के बाद आप चाहते हैं बीच से इसको कर्व बनाने के लिए, तब इसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं जिससे कर्व बनेगा। ध्यान रहे जब हम कर्व लाइन के यूज करते हैं तो इसको दो बार ही हम कर्व बना सकते हैं, तीसरा बार वो क्या होगा, न्यू लाइन ड्रॉ हो जाएगा। यदि आपको एक बार कर्व करना है उसके बाद फिर से न्यू लाइन लेना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कर्व लाइन को फिर से क्लिक करके ड्रैग करना होगा ताकि वो क्या होगा कि एक ही बार कर्व हो। सेकेंड बार यदि आप एक बार क्लिक नहीं करेंगे, दूसरा बार न्यू लाइन लेना चाहेंगे तो क्या होगा, वो इस तरह का होगा। ओके दोस्तों, जैसे कर्व लाइन के यूज कैसे करते हैं बता देते हैं। जैसे हम लोटस बनाना चाहते हैं, कमल फूल बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके इस तरह से इसको कर्व बना लेंगे, है ना। उसके बाद फिर से इस प्रकार से यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ इसको इस तरह से बना सकते हैं। फिर ये लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल लेने के बाद फिर कर्व लाइन लेंगे और यहाँ से इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक करके यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ से इस प्रकार से कर्व बना सकते हैं। फिर से लाइन टूल, उसके बाद कर्व लाइन, इस प्रकार से इसी इस तरफ बना लेंगे, उसी तो प्रकार से कमल फूल या लोटस हम बना सकते हैं ये कर्व लाइन के द्वारा। इंटरेस्टिंग है ना। उसके बाद रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल क्या है, रेक्टेंगल टूल को इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, है ना, रेक्टेंगल टूल के द्वारा। ओके दोस्तों, अब ये पॉलीगोनल टूल, पॉलीगन टूल क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से क्लिक करके एक बार उसको ड्रैग करना होगा। ड्रैग करने के बाद जहां पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक स्ट्रेट लाइन वो ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि ऊपर जाएंगे फिर नीचे, ऊपर नीचे, है ना, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, माउंटेन बना सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे जहाँ से वो ओपन हुआ था ऑलरेडी, वहाँ से ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर पिक कलर लेंगे, पिक फिल विथ कलर लेंगे। फिल विथ कलर लेने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम फिल कर दिए, है ना। उसके बाद ये सर्कल लेंगे, सर्कल लेने के बाद आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी कलर, जैसे कि हम ये वाला कलर लेकर के यहाँ पर फिल कर देते हैं, है ना। और ये कर्व लाइन, कर्व लाइन लेंगे यहाँ से इस प्रकार ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से टेढ़ा कर देंगे, कर्व बना देंगे। उसके बाद फिर इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इसको इस तरह से कर्व बना देंगे और यहाँ से इसको इस प्रकार से क्लोज कर देंगे। क्लोज को क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि कलर जो है पूरा पेज में ना फैले, इसी वजह से इसको क्या करें, क्लोज कर दें। लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, मैग्नीफायर टूल का यूज करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग है, अब इसको क्या करना है, यहाँ से पेंसिल से इसको क्या करना है, फिल कर देना है ताकि मेरा कलर जो है पूरा पेज में ना आए, है ना। उसके बाद फिर से यहाँ से हम इसको नॉर्मल कर लेंगे जिस तरह था। अब देखिए कि अब इसमें हमको क्या करना है, कलर फिल करना है ना, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, कलर फिल कर, अब कैसे लग रहा है दोस्तों, है ना। इस प्रकार से आप इसमें पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। आगे और ड्राइंग बताएंगे। उसके बाद है ये रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल क्या है कि आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं,
ये रेक्टेंगल टूल में क्या था कि आप जब ड्रॉ करते थे इसका जो कॉर्नर है इसको मुड़ा हुआ नहीं, लेकिन ये इसमें क्या है कि ये कोना जो है इसका कॉर्नर जो है मुड़ा हुआ है, इसको राउंडेड रेक्टेंगल टूल कहते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।